राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधा रानघर। फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी खीर। खीर जो बंगाली में कहते हैं परमान्न, वो हम आज खीर में चावल की बनाऊंगी। वो खीर के लिए जो रेसिपी चाहिए वो है चावल, शुगर, शक्कर और ड्राई फ्रूट लिए है और तेज पत्ता। और यहाँ मैंने मिल्क ले लिए है, यहाँ 1 लीटर 1 लीटर मिल्क मैंने गरम करके रखी हुई हूँ। अब मैं रेसिपी रेडी करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ दूध गरम कर लिया है, देखिए। तो यहाँ 1 लीटर दूध है। यहाँ पर मैं अब मैंने 100 ग्राम चावल, जो बाजार में छोटे छोटे व्हाइट कलर के चावल मिलते हैं, एकदम छोटे छोटे दिखिए, वो चावल मैंने लिए है। बंगाली तो मैं इसमें इसको अतप चाल के थे, इसलिए है मैंने 100 ग्राम, 1 लीटर दूध के लिए 100 ग्राम चावल ही काफी है। मैंने इसे धो के रखी थी, धो के पानी जो मैंने इसे झड़ा के इसे रखी थी। अब मैं इसमें चावल डाल दिया है, उसे अब मैं बॉयल करूंगी और उबालते रहूंगी। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे मैं ऐसे ही हिलाते रहूंगी। अब मुझे इसे पकाना है, जब तक चावल बॉयल ना हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है। फ्रेंड्स, देखिए अब हो गया। ऐसे हम चावल को ऐसे लेके हाथ में देखे देखा, तो हो गया चावल। फिर मैं इसमें चीनी डालूंगी। मैंने 80 ग्राम चीनी ली है। चीनी स्वाद अनुसार, जो जैसा मीठा पसंद है वो ऐसे ही चीनी डालेगा। मैंने यहाँ 1 लीटर में 80 ग्राम चीनी डाला है, 1 लीटर दूध, 100 ग्राम चावल और 80 ग्राम चीनी। फिर मैं इसमें 2 तेज पत्ता डालूंगी। देखिए खीर हो गया है मेरी। और अब मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। हो गया है चावल का खीर। फ्रेंड्स, देखिए हो गया है, रेडी हो गया खीर, जो चावल का खीर है और बंगाली में कहते हैं परमान्न या पायस, जो भी कह सकते हैं आप, परमान्न या पायस भी कह सकते हैं। और चावल का खीर खाने में बहुत ही बढ़िया है वो। फ्रेंड्स, इस मेरी रेसिपी को आपको पसंद आए तो मुझे लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हरे कृष्ण, थैंक यू।